हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही फंटास्टिक सा और इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही क्विक बन जाता है और बहुत ही इंस्टेंट इससे रिजल्ट आता है। आपने कभी किसी पार्टी पे जाना हो, किसी शादी इवेंट पे जाना हो, तो आप ये वाला मास्क यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने के मिलेंगे। देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले है दही। दही मेक श्योर आपकी एक दो दिन पुरानी हो, क्योंकि जितने खट्टी दही होती है उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा ग्लो देती है। उसके बाद है बेसन, और ये जो तीसरी चीज़ है ये मेरे पास फ्लैक्स ओट्स थे, उनको मैंने बारीक सा पीस के इसका पाउडर बना लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फ्लैक्स, ठीक है, ये इसके फ्लैक्स हैं ओट्स के, इसको मैंने बारीक पीस के तो ये पाउडर बना लिया। साथ इसके अंदर जो है हम हल्दी यूज़ करेंगे और छोटे से एक टमाटर का बल्ब जो है वो इसमें यूज़ होगा, और हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी रोज़ वाटर की भी। रोज़ वाटर ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ होगा, सिर्फ हाफ टी स्पून जो है इसमें यूज़ होगा। ये देखिए, मैंने टमाटर का बल्ब जो है वो निकाल लिया है। ये तकरीबन जो है हमें इसमें से एक चम्मच जो है उसके राउंड अबाउट चाहिए, तो एक चम्मच जो है बस इसमें हम डालेंगे, तो ये तकरीबन एक चम्मच ही है, ये थोड़ा सा बस बीच में से एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर एक चम्मच के बराबर दही, सब चीज़ें हमारी एक एक चम्मच ही रहेंगी। एक चम्मच हमारा बीच में बेसन है, एक चम्मच ही ये वाला जो ओट फ्लैक्स था उसको मैंने पीसा हुआ था, ये वो है। ये थोड़ी सी हमने बीच में से तकरीबन एक चुटकी के बराबर इसमें हल्दी डालनी है। बाकी जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम रोज़ वाटर जो है वो इसमें डालेंगे। ये मैंने खोल लिया आपके सामने। ये हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास जो एक पेस्ट है वो रेडी हो गई है। अब ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये पेस्ट हमारी जो है कम्प्लीटली रेडी है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ और बिफ़ोर आफ्टर इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। जी, ऐसे आपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे अपनी स्किन पे। अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना। एक मीडियम सी आपने इसकी लेयर लगानी है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। इस मास्क में हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सब की सब कुदरती हैं, नेचुरल हैं, और वो नेचुरली हमारी स्किन को ग्लो करेंगी। हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, सब की सब चीज़ें जो हमने घर से उठाई हैं और यूज़ की हैं। दही भी हमने इसमें जो है वो डाला है। दही के अंदर आप सब जानते हैं लैक्टिक एसिड होता है, जो कि कुदरती तौर पर हमारी स्किन को ग्लो करता है, और ये बहुत ही अच्छा एक रंग काट होता है। हमारी जितनी भी डेड लेयर हमारी स्किन के ऊपर आ जाती है बहुत ही स्मूथली वो उसको रिमूव करता है। हल्दी हमने इसके अंदर डाली है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। जितने भी हमारे कोई एक्नी आ जाता है, कोई दानों के निशान हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन आ जाता है हमारी स्किन में, उसको बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। जो का मैंने पाउडर डाला है इसके अंदर, जो मैंने ओट्स फ्लैक्स आपके सामने लिए थे उनका मैंने पाउडर इसमें डाला है, साथ बेसन डाला है। ये दोनों चीज़ें भी जो हैं बहुत ही अच्छे से स्मूथली और बहुत ही नेचुरल वे में जो है हमारी स्किन को ग्लो करती हैं। फिर हमने इसके अंदर टमाटो पल्प डाला है, जो कि विटामिन सी होता है उसके अंदर, और वो भी हमारी स्किन को वाइटनिंग देने में बहुत हेल्पफुल होगा। आपने इसको वीक में 2 टाइम अप्लाई करना है और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट आपने इसको स्किन पर रहने देना है, और आपने इसको तब रिमूव करना है जब ये आधा जो है वो ड्राई हो और आधा इसका हिस्सा वेट हो। अगर आप पूरा ड्राई कर लेंगे तो उतने में प्रॉब्लम होगा और आपकी स्किन पे खिंचाव आ जाएगा, तो आपने मेक श्योर इसको तब रिमूव करना है। 15-20 मिनट में वैसे ये आधा गीला और आधा सूखा रहेगा। जी तो जनाब, मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं इस मास्क को अप्लाई किए हुए। अब मैं आपके सामने इसको सर्कुलर मोशन में जो है थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ। बिल्कुल आपने लाइट से हाथों से आपने इसका मसाज करना है, और ये थोड़ा सा गीला होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा तो ही इसकी मसाज अच्छी होगी। तो मेक श्योर आपने इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना। 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको
इस तरह से मसाज कर लेनी है, और मसाज कर लेने के बाद एक दो मिनट मसाज बहुत है, उसके बाद जो है आपने वॉश कर लेना है। तो मैं वॉश करके आती हूँ। ये आफ्टर वॉश आप इसका रिज़ल्ट देखें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद नज़र आ रहा है कितना ह्यूज सा डिफरेंस आया है एक पर लगाया और एक पर नहीं लगाया। जी तो व्यूअर्स, आपने मास्क देखा कितना अच्छे से हमने अप्लाई किया, अच्छे से रिमूव किया, और आप इसके फर्स्ट जो है अटेम्प्ट में ही आप देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और अगर आप इसको वीक में 2-3 times लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। आपने बस 15-20 minutes तक इसको ज़रूर रखना है, और फिर बाद में थोड़ा सा 1-2 minutes की सर्कुलर मोशन में इसकी थोड़ी सी मसाज करनी है हल्के हाथों से, और फिर इसको रिमूव करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।